बात करें यदि किसानों की तो उड़ीसा के मलकानगिरी से खबर है, जहां किसानों की एक खास समस्या ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। किसानों के खाते में पैसे तो आते हैं, मगर वह पैसे 24 घंटे के अंदर गायब हो जा रहे हैं। किसान को यह पता नहीं चल रहा है कि आखिर उसके बैंक से पैसे गायब करने का घोटाला कहां से शुरू हुआ है। किसानों के खाते में आ रहे हैं हजारों रुपए, पर किसान उन रुपयों को निकाल नहीं पा रहा है। किसानों के बैंक खाते से 24 घंटे के अंदर सभी रुपए गायब हो जा रहे हैं। आखिर यह रुपए गायब होने का सच है क्या? बताते हैं आपको पूरी खबर जो है उड़ीसा के मलकानगिरी से, जहां किसानों के खाते में आया हुआ पैसा गायब हो जा रहा है। यह एक सवाल खड़ा है, परंतु पैसे को बैंक कर्मचारी उठाकर लेने का अभियोग की बात सामने आ रही है। मलकानगिरी स्थित कोरापुट कोऑपरेटिव बैंक शाखा में देखने को मिली है ऐसी दुर्नीति। किसानों के नाम पे 40 से 70 हजार रुपए जमा किया गया था, और रुपए जमा होने के ठीक एक दिन बाद इस पैसे को उठा के बैंक कर्मचारी का एक कृत्य सामने आ रहा है। एक दो की बात नहीं, करीब 200 से ज्यादा किसानों के खाते इस बैंक में है। करोड़ों रुपए के घोटाले की बात निकल कर सामने आई है। मलकानगिरी जिले के बदली गाँव में देवामाड़ी के खाते से 4 महीने में 4 किस्त जमा होनी थी, जिसमें से 1,45,054 रुपए था। इस इमामाड़ी के खाते से 6 किस्तों में जमा हुआ 2,70,820 रुपए। फिर इस घटना को लेकर देवा एवं इमामाड़ी के पास कोई भी खबर नहीं है। इस घटना का पता चलने के बाद इन लोगों के मन में काफी ज्यादा असंतोष है, और वह पूरी सच्चाई को जानने में लगे हुए हैं। देखना ये होगा कि इस पर प्रशासन क्या सुध लेता है और कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ाता है। मोर 2017 ऋण उठे 15,000 उठे सेटा बर्तमान ये जो इश्यू होती गत काल आम सूचना पाई जे आम इश्यू होती बोल कि नहीं कि आम लैंप को जाइलु लैंप तार रजिस्ट्रेशन खाता देखला रिन्यूआल होता सेटा एवं बर्तमान भी क्लीयर हो जो 15,000 नहीं से 15,000 हिं अच्छे। तो ये बाबद प्राय एम लोकंर आम गाँव रोक मान प्राय 80-90 लोकर हम तो सेमती प्रोब्लेम होती से लैंप वाला मैंने डाकि तो आज जीव लैंप को लैंप गलापर जाए समाधान कौन बाट देखा पड़े कौन दाबी कौन रही दाबी आम रही जो इश्यू होती प्रोब्लेम टाइम से प्रोब्लेम टा जमीक तुरंत तदंत कर गाँव प्राय 80-90 लोकर सेमती प्रोब्लेम से तुरंत तदंत कर निरीह लोक मैंने वंचित खाना ये पैसा लक्ष 2 लक्ष टा समथिंग तो जाए 3 लक्ष तो जाए 3,70,000 प्राय सेमती कहारा निरीह आदिवासी लोक मैंने तो ये पैसा ऋण उठे नए तुरंत तदंत कर कौ टाइप पैसा से क्या अकाउंट को पलैला किए विड्रो करी मान आकाउंट तो ना बर्तमान से कहते बर्तमान मैं विड्रो करनु तो नहीं तुरंत पदकेप नहीं आ बादाम बड़ को भी झमेला कोले ए बड़ को बादाम बड़ को झमेला ला ना हमरटा आगे तारीख रे उठिथि लागे से माथे जाउ से टंके ट्रे तुम ना को हां इरमामाड़ी हमरो ना रे मोय आगे लोन नेउतिली नेउतिली सुजाइली मोय ऋण नेली आउ तोरे 2 वर्ष नेली आउ 2 वर्ष को से पैसा रे तुम खाली कलंतर पैसा बांधिकी आउ तुम पैसा रे तुम लोन चार्ज करो करला परे से आउ मे मास रे से लोन नेला बोलिकी लेखिदेला परे मुई खाली नोटिस आइला रो देखली मे मास रे मुई लोन नेली नै आउ 2,62,000 आम इरमामाड़ी रे से नाम आइला नोटिस रे नोटिस आइला रो मुई देखली सेते लोन मुई नेली नाई बोली मुई कोड़ लोन नेली मई मास रे लोन नेला नाई बोली किरी काली नोटिस रे मुई कोईली इतकेरु सेम लेम वाला एंती सलाक करी किरी हमको हैरान कर देले मुई किमिति बोंची भी आउ से मुई पैसा तो नेली नाई आउ लोक भी कोई परबे 2,62,000 मुई जन्म रे मुई देखी नाई। टीवी1 इंडिया न्यूज़ के लिए प्रभात शाह की रिपोर्ट मलकानगिरी उड़ीसा।
बात करें यदि उड़ीसा के सुप्रसिद्ध पर्व रज पर्व, तो रज पर्व के दिन प्रवासी उड़ियाओं को कपड़े और स्वादिष्ट खाद्य का आवंटन किया जा रहा है। जिला तीर्तोल ब्लॉक के ग्राम पंचायत क्वारंटाइन केंद्र में सरपंच बनजा बासन दास के माध्यम से प्रवासी उड़ीसा वासियों को उड़ीसा के मुख्य पर्व रज पर्व के पहले दिन ही नूतन कपड़े और स्वादिष्ट खाद्य का आवंटन किया गया है। कोरोना के आतंक सबके मन में है, जिसकी वजह से सब काफी भयभीत है। इस वजह से एक प्रक्रिया बनाई गई है, जिसमें लोगों को क्वारंटाइन सेंटर रहना है और जब वहां से 14 दिन का यह क्वारंटाइन सेंटर का समय पूरा करने के बाद ही उनको घर जाने के लिए बोला जाता है। इसलिए सरपंच दास के सहायता से तीर्तोल ब्लॉक बीजू जनता दल सभापति गंगाधर बिस्वाल, पूर्वतन सरपंच किशोर कुमार साहू, नेशनल क्लब सभापति प्रीति रंजन खुटिया और वरिष्ठ नागरिक सहदेव कुंवर उमेश बारीक के साथ पंचायत के अन्य सदस्यों ने सहयोग कर प्रवासी उड़िया के मन में मदद करने और नए कपड़े देने के साथ साथ खाद्य का आवंटन किया है। प्रवासी उड़ीसाओं ने इस बात की प्रशंसा की है और इस पंचायत में दो क्वारंटाइन केंद्रों में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से 97 प्रवासी आए हुए हैं। अभी तक कोई भी प्रवासी स्वास्थ्य और ब्लड नमूना का परीक्षण नहीं हुआ है। सरपंच श्रीमती दास मीडिया के माध्यम से प्रवासियों को नमूना परीक्षण करने के लिए सरकार और जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है। मु तीर्तोल बिजू जनता दल ब्लॉक सभापति अच्छी रज उपलक्षे से मानक मनोरंजन पाई सब प्रकार स्वादिष्ट भोजन कराई से मन दुख न करिवे से जहाँ भी आम मानकर भाई किए भौणी किए माउसी किए मौसा समस्त अच्छा से मानक खुशी करवाई लुंगी गंजी टाउलर व्यवस्था सहित आमर जो माँ मानक शाढ़ीर व्यवस्था भी कराई छुआ मान ड्रेस भी कराई से मैंने केमी भले रे भले घर फेर से आम जगन्नाथ प्रार्थना कर शुभकामना करुचु। पूर्वतन सरपंच गराम ग्राम पंचायत आज ये जो आयोजन कराई सर्वप्रथम हूँ आम हिंदू समाज गोटे बड़ पर्व जीतु पिला करेन्ट सेन्टर अच्छे तार आम हूँ परिवार भलिया एवं आम मुख्य से अनुभव न करूँ ये सेंटर रहीक आम रज पालन करें गोटे पर मुख्य परिवार मुख्य हिसाब से मुझे कर्तव्य जी करवा कथा जो दुख अनुभव न करें से व्यवस्था कराई पिला सब सर्वदा कहे माँ भगवती की प्रार्थना कर जो आम गराम ग्राम पंचायत करोना आक्रांत न हो जगत सिंहपुर जिला को न हो माँ शारदा प्रार्थना करपर मध्यम आम सरकार को अनुरोध करुच्ची एपर्त आम सेन्टर में 97 पिला आसिले जड़े एपर्त के टेस्ट है तेणु आपण मान मार्फत मुझे प्रशासन अधिकारी मानक अनुरोध करुच्ची जेहेतु आमर एत बड़ सेन्टर है 97 पिला आसिले आर केमी कौन टेस्ट कर व्यवस्था टी करूँ एवं पिला पंचायत मो तरफ मो माँ शरणागत प्रार्थना करुच्ची ये करोना आम ठा दूरे जाऊ माँ जग प्रभु जगन्नाथ दयारू करोना आम जिला को न आसू आम सेन्टर को न आसू। बस गराम ग्राम के सरपंच और मुखिया बोल रही हूँ। आज जो भी आज कार्यक्रम आप लोग को पता होगा कि ओडिशा का सबसे बड़ा प्रोग्राम यही होती है कि रज पर्व बोला जाता है और ये रज पर्व जो होता है ओडिशा का सबसे बड़ा पर्व होता है। बाहर का देश तो इसको मानता नहीं है और इस देश में हम लोग का जो भी ओडिशा का जो वासी है बहुत आनंद से सहित इसको उपभोग करते हैं और घर में भी उसको बहुत उत्साह के सहित पालन करते हैं। और इसी रीजन को लेके जैसे हम लोग का प्रवासी जो भी आए हुए हैं यहाँ पे हमारा सेंटर में रहे हुए हैं आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे सेंटर 97 कैंडिडेट्स आए हुए थे यहाँ पे रहे हुए हैं तो उन लोग के चलते अभी कहीं कोई ऐसा फील ना करे कि हम लोग को भी कुछ व्यवस्था नहीं किया जा रहा है और हम लोग यहाँ पे आनंद भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस आनंद को उठाने के लिए हम अभी इन लोग को हम लोग और मेरा पूरा पूर्वतन सरपंच जो मेरे देड़शूर समान होंगे उनको भी मैं अधिक धन्यवाद दे रही हूँ कि मेरे एब्सेंस में वो बहुत ही कार्य अच्छे से निभाए हैं जिस जो कि सब कोई अच्छे से बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छे से हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल ही रहा है और आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम कितना अच्छे से चल रहा है। और उन लोग को अच्छे से रखने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं कि उनको ऐसा फील ना हो कि हम लोग घर में रह नहीं रहे हैं आज सेंटर में रहे हैं। तो उन लोगों के लिए सारा व्यवस्था किया गया है स्वादिष्ट खाना जैसे स्वादिष्ट खाना और उनको पहनने के लिए जो भी जितना हम लोगों से हो पाया उतना व्यवस्था अच्छे से किया गया है। और जो भी यहाँ पे छोटी सी लड़की और एक औरत भी है उन लोगों के लिए भी व्यवस्था किया गया है आगे चल के भी उनके और भी जो भी व्यवस्था होगा अच्छी तरह से निभाने के लिए हम लोग बहुत ही कोशिश कर रहे हैं ताकि
उन लोग को कुछ भी कोई भी तरीका से वो फील ना करे कि एनी डेफिशिएंसी उन लोग को लगना चाहिए कि नहीं हमारे कुछ डेफिशिएंसी हो रहा है, ऐसा कुछ भी डेफिशिएंसी उनका होगा ही नहीं। लेकिन हमारा सरकार से और सबसे गुजारिश यही है कि आप लोग के माध्यम से और गुजारिश से यहाँ पे 97 कैंडिडेट्स होते हुए भी हम लोग का अभी तक टेस्ट का कुछ प्रबंध नहीं किया गया है, और ये बात आप थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो हम लोग और आभारी होंगे, आप लोग का मीडिया का आभारी होंगे, क्योंकि मीडिया ऐसा एक प्रोसेस है जो भी हर चीज़ को पॉसिबल कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ये चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम लोग का ये सेंटर के लिए एक टेस्ट का व्यवस्था करें। और यही बात बोलते हुए ये भी हम बोलेंगे कि ये जो इतना बड़ा बीमारी और महामारी आया हुआ है, ये सारा महामारी अच्छे से कैसे प्रभु जगन्नाथ की कृपा से चला जाए और सब आनंद और सुखमय से जीवन यापन करें। अगले वर्ष फिर यही प्रवासी आनंद से और खुशी से हमारा टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रंजन खुटिया के साथ मिलन जेना की रिपोर्ट, जगतसिंहपुर, उड़ीसा। आश्चर्यचकित कर देने वाली एक खबर उड़ीसा के बड़ाम क्षेत्र से, जहां जंगल से भागा एक हिरण गांव की तरफ, गांव वालों ने तुरंत उसे पकड़कर जंगल अधिकारी के सुपुर्द किया है। जंगल में पानी न मिलने के कारण एक हिरण गांव में घुस गया और गांव के लोग हिरण को पकड़कर जंगल के अधिकारी को सौंप। खबर यह है कि कटक जिला आड़गढ़ अंतर्गत पनीमय गांव में यह घटना सामने आई। राज्य जंगल विभाग के द्वारा दी गई पैसा जंगल में सारे पशु पक्षियों के लिए तालाब बनाने के लिए गाइडलाइन भी जारी करी गई थी, परंतु वन विभाग में कोई भी सुधार होता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा है, न ही योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात जा रही है। इस बीच प्यास तड़पता हुआ एक हिरण गांव की तरफ आ गया, जिसके बाद गांव वालों ने उसे पकड़कर जंगल विभाग के अधिकारियों के सुपुर्द किया है। इस समस्या को समाधान के लिए यहां के लोग सरकार से अपील भी कर रहे हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मनोज कुमार नायक की रिपोर्ट, बडाम्ब, उड़ीसा। खबर उड़ीसा के संबलपुर से, जहां भीमसार एमआरआई घोटाले में असंतोष तीव्र होता दिखाई दे रहा है। जिला वकील संघ सभापति सीबीआई तदंत दावा करने के लिए पश्चिमांचल एकता मंच में दावा किया गया था। उस ओर चार दिन होने के समय एक टीम गठित की जा रही है और तदंत करने का पता भी चला रहा है। भीमसार एमआरआई घोटाले को छिपाने के प्रयास किया जा रहा है, ऐसा संबलपुर में चर्चा हो रही है। घोटाले का पर्दाफाश को चार दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अग्रिम कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। केवल दोष छुड़वाना स्वरूप तदंत के द्वारा ही दिए जा रहे हैं। प्रतिपक्ष लेकिन कैसा होगा, तदंत कोड करेगा, उसके बाद कोई भी सूचना पता चलेगी। उस ओर पश्चिम उड़ीसा के अग्रमी संगठन के राज्यपाल के उद्देश्य में जिलापाल को एक दावा पत्र दिया गया है। इस अवसर पर प्राप्त विचारपति अध्यक्षता में एक तदंत कमेटी गठन करने के लिए संगठन भी बनाया गया है। जिला वकील संघ भी इसको सीबीआई तदंत करवाने के लिए दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस विषय पर मानस रंजन बक्सी, मुख्य वकील संघ सभापति, और जिला वकील संघ सभापति विजयतेंद्रीय प्रधान का क्या कहना था, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस अवसर पर जयश्री दोरा, भीमसार सुपरिंटेंडेंट उपस्थित थे और उन्होंने सभी बातों के प्रमाण करते हुए अपनी बात को सभी के समक्ष रखा है। सभी तथ्य प्रमाण सभी के सामने आ चुके हैं। इसमें घोटाले के पर्दा डालने के लिए सात दिनों के अंदर हो या फिर उससे अधिक सीमा क्यों बढ़ रही है, इस बात को लेकर प्रश्न उठते हुए नजर आते हैं। मानस रंजन बक्सी, मुख्य संयोजक, पश्चिमांचल एकता मंच। देखंतु राज्य में जो सरकार चली, गोटे स्थानु सरकार चली, गोटे अपारग सरकार चली, गोटे भ्रष्टाचारी सरकार चली। ये सरकार समय भ्रष्टाचार लिमिट क्रॉस करने को बसला, विशेषकर स्वास्थ्य विभाग कथा जी आप कहे ओडिशा सरकार अधीन स्वास्थ्य विभाग जदि सेवा कार्य को आप तुलना करेंगे सगड़ गाड़ी भाया चलू कि जो दुर्नीति भ्रष्टाचार चली MiG-29 भाया चली। प्रत्येक दिन खबर कागज आप खोली देखिले प्रत्येक दिन ये भ्रष्टाचार दुर्नीतिर खबर पाए। विगत सात दिन भितर कोरोना भली परिस्थिति रे देशवासी जिते बेले मृत्यु सहित लड़े करचंती, केंद्र सरकार ये माने व्यक्ति विशेष कहतु व्यावसायिक अनुष्ठान कहतु राज्य सरकार कहतु केंद्र सरकार कहतु ये कोरोना परिस्थिति रे जिते आर्थिक मेरुदंड भांगि बसला से समय केन्द्र सरकार लक्ष लक्ष कोटी टंकार सहायता राशि देला बेलू राज्य सरकार ताकू चोळु करिया को बयचंती। मु तो भावुची राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग जो अधिकारी माने किमा मंत्री पदस्थ लोक बयचंती चिल और सगुणा सांगे समान, कहीं चिल सगुणा जेनी जोगी बयस्तांती केबे गुटे दुर्विभाग हम लोक पशुपक्षी मल्ले आसिक मंस खाई से लोक मैंने राज्य सरकार अधीन बस तेणु ये जो विगत दुई दिन भितर जो मास्क किना दुर्नीति तत्संगे संगे ये जो एमआरआई घटना है भीमसार जो एमआरआई फल्स बिलिंग घटना है गोटे कंपनी गोटे लोकर गोटे अंगर बिलिंग मानते एमआरआई करेंगे सरकार पाखे बिल पैठ करुँ तीन टा चार अंगर जो एमआरआई रिलिंग करें 2016 2020 भितर जो कोटी कोटी टाँग मुझे भावी हजार हजार कोटी टकर दुर्नीति निश्चित पर जो सरकार व्यवस्था केंद्र सरकार गरीब लोक एमआरआई करें जो
मागणा व्यवस्था कले फिर जो पैसा हरिलुट हो कोरोना समय लोक पीएम केयर को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को जो पैसा दूसरी तार जो हरिलुट हो तार विरुद्ध ये पश्चिमांचल एकता मंच स्वरोत्तोलन कर संबलपुर जिलापा जरिया माननीय ओडिशा राज्यपाल महामहिम राज्यपाल दायीपत्र प्रदान करनीय राज्यपाल को अनुरोध करूँ आम यही दुई घटन हस्तक्षेप करूँ और राज्य सरकार को निर्देश दिंतु गोटे अवसरप्राप्त हाइकोर्ट जज अधीन गोटे इनक्वारी कर दोषी विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण कर तत् संगे संगे यही दुई घटन जो अधिकारी और राजनेता विरुद्ध में आंगु निर्देश हो कार्य निलंबन कर तदंत में हस्तक्षेप करेंगे तेणु आज आम दायीपत्र प्रदान कर जिलापाल कहते से दायीपत्र आम गवर्नर हाउस को पठाई सर आप परिचयटा कहीदे विजितेन्द्र प्रधान जिला वकील संघ सभापति सर देखुन ये बुलारे गोटे एमआरआई मशीन के नहीं गोटे चलीचे बाद विवाद तो ये आप कौन प्रशासन को कौन कही क्या जरिए कण दावी पत्र कर जहाँ तो जना जा पत्र मान गणमाध्यम अन्न्य जहाँ सूत्र जना पड़े और कनिष्ठ डाक्तर मैंने जो हिसाब से दावी पत्र ये दुर्नीति आम भी अनुभव करुच्छू दुर्नीति निश्चित भाव में एमआरआई को लेकिन एवं वर्तमान परिप्रेक्षी सरकार अतिशीघ्र कार्यानुष्ठान आरंभ करवा कथा जो जो सर्टिफिकेट अच्छी किंबा जो बिल अच्छी से गुड़ाक तुरंत सीज करी रखा उचित कारण टेम्परिंग करिवार भी वर्तमान देखा दला उपाय से कले तो ये परिप्रेक्षी में जेहेतु नवीन सरकार गोटे स्वच्छ सरकार बोलिक कहते प्रमाण करने को हेले वर्तमान यहाँ को अतिशीघ्र सीबीआई तदंत कर दरकार पड़ी एवं या पूर्वर भी विभिन्न प्रकार अनियमितता कार्य चली दुर्नीति कार्य चलती जो मैंने प्रकृत दोषी से विरुद्ध कार्यानुष्ठान नबार उचित तो वकील संघ पक्ष क्या दाबी कर आम तो सीबीआई तदंत दाबी कर सब समस्त जिते प्रकार दुर्नीति होती भीमसारे तार पूरा सीबीआई तदंत आम दाबी डायरेक्टर निर्देश अनुसार मुझे गोटे एनक्वारी कमिटी गठन कर चारजण एनक्वारी कमिटी से कहुई जो वन विक भितर एनक्वारी कर सबमिट द रिपोर्ट कमिटर चेयरमैन अच्छा प्रोफेसर मनोज महापात्र मेडिसीन रही मैंने किए अच्छा मैडम जो अभियोगटा होता से अभियोग दूर सत्यता रही है अनुमान सेटा मुमि कह सत्यता के एनक्वारी कले जहाँ जमापड़ ग्रहण कर एनक्वारी अनुसार जहाँ बाहर से अनुसार आईन अनुसार आउ गोटे कथा ये एम आर आई ये घटना घटला रातारा जन कर्मचारी को सुशांत कुमार मिश्र नामक जन कर्मचारी को पुणे को ट्रांसफर होता है मो पाखे तार किसी खबर नहीं सर आप परिचयटा कहीदे विजितेन्द्र प्रधान जिला वकील संघ सभापति सर देखुन ये बुलारे गोटे एमआरआई मशीन के नहीं गोटे चलीचे बाद विवाद तो ये आप कौन प्रशासन को कौन कही क्या जरिए कण दावी पत्र कर जहाँ तो जना जा पत्र मान गणमाध्यम अन्न्य जहाँ सूत्र जना पड़े और कनिष्ठ डाक्तर माने जो हिसाब से दावी पत्र ये दुर्नीति होती आम भी अनुभव करुच्छू दुर्नीति निश्चित भाव में एमआरआई को लेकिन वर्तमान परिप्रेक्षी सरकार अतिशीघ्र कार्यानुष्ठान आरंभ करवा कथा जो जो सर्टिफिकेट अच्छी किंबा जो बिल अच्छी से गुड़ाक तुरंत सीज करी रखा उचित कारण टेम्परिंग करिवार भी वर्तमान देखा दला उपाय से कले तो ये परिप्रेक्षी में जेहेतु नवीन सरकार गोटे स्वच्छ सरकार बोलिक कहते प्रमाण करवाक वर्तमान यहाँ को अतिशीघ्र सीबीआई तदंत कर दरकार पड़ी एवं या पूर्वर भी विभिन्न प्रकार अनियमितता कार्य चली दुर्नीति कार्य चलती जो मैंने प्रकृत दोषी से विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नबार उचित तो वकील संघ पक्ष क्या दाबी कर आम तो सीबीआई तदंत दाबी कर सब समस्त जिते प्रकार दुर्नीति होती भीमसारे तार पूरा सीबीआई तदंत आम दाबी
ଗତ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭୀମସାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଏମ୍ଆର୍ଆଇର ବିଲିଂ, ଯେଉଁ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ଏମ୍ଆର୍ଆଇ କରୁଛି, ସେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗର ଏମ୍ଆର୍ଆଇ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଛି, ତିନିଟା ଚାରିଟାର ଏମ୍ଆର୍ଆଇର ବିଲ୍ ପୈଠ କରି ଗତ 2016ରୁ 2020 ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଛି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ସେ କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ଏ ବିଷୟରେ ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ, ନତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ସେମାନେ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାକୁ ରାଜଭବନକୁ ପଠାଇଦେବା ଲାଗି ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ। ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରମାନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ବସ ଠିକ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଆପଣ ନିଜେ ଭାବୁଛୁ କାହିଁକି କହିବ ନାହିଁ ତମେ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नंदनी प्रधान की रिपोर्ट, संबलपुर, उड़ीसा। ओडिशा में प्रसिद्ध गणपर्व राज के महोत्सव अवसर पर ओडिशा राज्य बीजू जनता दल साधारण संपादक राजेश दास और ओडिशा बीजू छात्र जनता दल के राज्य साधारण संपादक प्रताप चंद्र दास की तरफ से शुभकामनाएं जारी करी गई हैं। इस विषय पर बीजू जनता दल के साधारण संपादक राजेश दास और प्रताप चंद्र दास का क्या कहना था, देखते हैं हमारे संवाददाता महेश पड़ी की इस खास रिपोर्ट में। राजेश दास, साधारण संपादक बीजू युव जनता दल ओडिशा। ଦେଖନ୍ତୁ, ରଜ ହେଉଛି ଆମ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗଣପର୍ବ ଏବଂ ଏ ପର୍ବକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ରୂପରେ ଆସି ଉଭା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ରଜକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଘରେ ରହିକି ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି କେବେ ନିହାତି ଦରକାର କାମରେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ଏବଂ ରଜର ଏହି ଗଣପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ପରିଚୟ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶା। କ'ଣ କହିବେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ? ପବିତ୍ର ଗଣପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ତତ୍ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରଜ ପର୍ବକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆଦରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଘରେ ରହି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଘରେ ରହି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳିବା, ଏହା ହିଁ ମୋର ରହିବ ବାର୍ତ୍ତା। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए महेश पाड़ी की रिपोर्ट, केंद्रपड़ा, ओडिशा। खबर ओडिशा के बिनका क्षेत्र से, जहां सुवर्णपुर जिला बिनका थाना अंतर्गत खैरमाल गांव में एक संवेदनशील घटना सामने आई है। खुद के बेटे ने अपनी सगी मां को पीट कर मार डाला है। सुबह 62 लाख के
बेटी खाई भोई को उसके बेटे गणेश भोई ने एक लकड़ी के सहारे पीट पीट कर मार डाला। सूचना के अनुसार उनके परिवार में बहुत दिनों से पारिवारिक कलह देखी जा रही थी। गणेश भोई की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, मानसिक विकृत था। कुछ दिन पहले उसने अपनी पत्नी को पर भी आक्रमण कर उसे घायल कर दिया था। बिनका थाने में इस मामले को दर्ज भी किया गया था। पत्नी बुरला अस्पताल में चिकित्सा होने के बाद अपने मायके में रह रही थी और सुबह ही बेटी खाई भोई ने अपने दांत घिसने के समय उसके बेटे ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और घटनास्थल पर ही महिला की मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर बिनका पुलिस पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शांतनु पंडा की रिपोर्ट, बिनका, सुवर्णपुर, उड़ीसा। खबर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से, जहां मानसी मिश्रा के 13वीं श्राद्ध के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व महिला आयोग और महिला अधिकार अभियान के अध्यक्ष नम्रता चड्ढा भी वहां पर उपस्थित। आईटी विंग स्टेट कोऑर्डिनेटर एंड ऑल ओडिशा टेक्निकल स्टूडेंट सीओ एडवाइजर उठा जल सेचन विभाग के अध्यक्ष और राज्य युवा बीजू जनता दल के अध्यक्ष अमरेश पति, डॉक्टर देवाशीष मिश्रा, महिकिता मिश्रा, रश्मि रंजन दास, देवदत्त स्वाई सहित काफी सारे लोग उपस्थित थे। कोरोना महामारी के दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन भुवनेश्वर राजधानी हॉस्पिटल के परिसर में रक्त भंडार भवन में आयोजित किया गया। कोरोना महामारी के दौरान रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वालों को किसी भी व्यक्ति की जान बचाना एक महान लक्ष्य समझा जा रहा है। श्रद्धावर्षी जो रक्तदान शिविर आयोजन आयोजन आयोजक जो महत्व उद्देश्य रखी कम कर रखापन जन पूर्वतन महिला कमिशनर हिसाब से आपको कौन कहेंगे ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥାଏ, ସେମାନେ ଏଇଠୁ ରକ୍ତ ନେଇକି ସେ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତ ଝିଅ ଯେଉଁ ଏତେ ମହତ କାମ କରିଛି ତାକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ କାମଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କହିବି, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ କିମ୍ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଥାଏ, ଯାହା ବି ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମହତ କାମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସମାଜକୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଏବଂ ଆଜି ବ୍ଲାକ୍ ଡୋନର୍ସ ଡେରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ପହିଲି ରଜ, ସେ ଝିଅର ବି ଆଜି ସେ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରଜ ପାଳନ କରୁ। ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେତିକି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ସେ କିଛି ମାନେ କାହାର ନା କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ? ରକ୍ତ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ମହାନ ଦାନ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତର ଗୋଟେ ଠୋପା ବି ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଥିରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଦାନ, ରକ୍ତର ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଜୀବନର ଯଦି କିଛି ଦେଇ ମାନେ ଦାନ କରିବା ପରେ ସେଇଟା ରକ୍ତଦାନ ହିଁ ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ପଇସା ମିଳିବ, ଗାଡ଼ି ମିଳିବ, ଘର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତର କିଛି ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମନ ଶାନ୍ତି ମିଳି ରକ୍ତ ରକ୍ତ ବି ପ୍ରତି 3 ମାସ 4 ମାସ ସେଇଟା ଦେବା ବି ଉଚିତ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ପାଇଁ ରକ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହୁ, ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କରୋନା ମରିଯ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ये है कि आज मेरी मम्मी का 13th एनिवर्सरी है जिसके लिए मैंने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था एंड आज गॉट ब्लड डोनर्स डे भी है। तो एक्चुअली इसके पीछे पर्पस यही था कि कोविड के चलते हैं जो ब्लड की स्कैसिटी हो रही है, लेकिन हर रोज़ यहाँ से थैलेसीमिया पेशेंट्स को ब्लड दिए जाते हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, एक्सीडेंट केसेस आते हैं, कोविड की वजह से तो वो सब नहीं बंद होता। और ये है कि ब्लड का और कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि उसको कुछ रिप्लेस करके आप और कुछ दे सकते। सो वी नीड डोनर्स जो लोग आगे बढ़ के ब्लड डोनेशन कैंप करें
एंड ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव अभी मायने कि वी विल कंटिन्यू इट एवरी ईयर, हर साल मेरी माँ की एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी पे अभी कंटिन्यू दैट, आज से शुरू हुआ है एंड एवरी ईयर वी डू। अच्छा जी, ब्लड जो डोनर को लिए अब क्या करता रहेगा? मैं जो भी है, जो ब्लड देते हैं जो नहीं देते हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन थिंग कि जैसे मैंने अभी कहा ब्लड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको सबको आगे बढ़ के ब्लड डोनेट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी मरीजें हैं, बहुत सारे पेशेंट जिनको रेगुलरली ब्लड चाहिए होता है लेकिन हमारे पास इतने स्टॉक्स नहीं होते, तो हम हमारे से 15 मिनट के मतलब कोशिश से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ समवनस लाइफ बाय गिविंग द ब्लड। तो यही रहेगा कि जो भी सारे यूथ हैं, जो लोग दे सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार नायक के साथ विद्युत लता मोहंती की रिपोर्ट, भुवनेश्वर, उड़ीसा।